हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम EVS की वर्कशीट करेंगे, क्लास थर्ड की वर्कशीट है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, ओके। आज की डेट डालेंगे 9 सितंबर 2021 व EVS वर्कशीट नंबर 66B। ये जो आपकी वर्कशीट है, ये जो आपका चैप्टर है बुक में, कौन सा है, वर्क वी डू, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। और आपकी ये रिवीजन वर्कशीट है आज की बेटा, ठीक है। तो बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड चलिए शुरू करते हैं। ये रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है आपकी, यानी कि रिवीजन वर्कशीट। अपना इधर सेक्शन लिखेंगे, ABCD सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है, इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पार्ट वर्क वी डू में सामुदायिक सहायकर्ताओं के से साहित्य सहायताकर्ताओं से संबंधित अलग अलग कार्यस्थलों और औजारों को पहचाना। हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ताओं के महत्व को भी जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका को इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, इन सबकी क्या करेंगे, रिविजन करेंगे। नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके साथ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें आपको सही चुनना है। जैसे मैं गाड़ियों और स्कूटर को रिपेयर करता हूँ या करती हूँ। कौन करते हैं गाड़ी और स्कूटर को रिपेयर? ऑटो मैकेनिक, है ना। कौन करता है बेटा? ऑटो मैकेनिक। अगला, मैं आपकी बीमारी का इलाज करता या करती हूँ? डॉक्टर करते हैं। मैं यातायात के नियमों का पालन करवाता या करवाती हूँ? कौन करवाता है? ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। मैं डाक द्वारा भेजे गए पत्रों को एकत्रित करके उनका वितरण करता या करती हूँ? कौन करता है? पोस्टमैन। मैं देश के बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करता करती हूँ? सिपाही। मैं आपको शिक्षा प्रदान करती हूँ? कौन? अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, कमेंट्स में मुझे बताएंगे, मैं आपको इसके बाद का एक और देती हूँ, सेवेंथ का। ये जो अभी आपने सिक्स तक करे उसका एक और। मैं फूलों की बगीचों की देखभाल करता हूँ, तो कौन हुआ मैं? अगला प्रश्न, सामुदायिक साहित्यकर्ताओं से संबंधित कुछ औजारों को नीचे दर्शाया गया है। औजारों को पहचानकर उनसे संबंधित सामुदायिक साहित्यकर्ताओं का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। बेटा, आपको कुछ औजार दिए गए हैं, आपको बताना है इस औजार का एक तो नाम आप बताएंगे, मुझे कमेंट्स में नाम बताएंगे आप, और मैं आपको बताऊंगी कि इनसे रिलेटेड कौन, ये कौन करता है इन चीज़ों से काम, ठीक है। जैसे कि पहला है ये, ठीक है, ये कौन यूज़ करता है? किसान यूज़ करता है। अगला है ये आरी कौन यूज़ करता है बेटा, बताएंगे? बड़ई यानी कि कारपेंटर, ठीक है। ये है एक स्टेथोस्कोप, ये यूज़ करता है, सॉरी, डॉक्टर। फिर अगला फायर एक्सटिंग्यूशर, ये कौन यूज़ करता है? इधर लिख रही हूँ, दमकल कर्मी, ठीक है, दमकल कर्मी। अगला एक पेन दिया हुआ है बेटा, पेन आपका एक तो अध्यापिका आपकी यूज़ कर सकती है, अध्यापिका, अध्यापिका।
या फिर आप लिख सकते हैं पत्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। आपको संकेत बॉक्स भी दिया हुआ है बेटा। मैं डाकिया डैश में काम करता हूँ। डाकिया कहाँ काम करता है बेटा? पोस्ट ऑफिस में। तो इधर वन लिख रही हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अगला। मैं किसान डैश में हल चलाता हूँ। कहाँ हल चलाता है किसान? खेतों में। ओके, देन नेक्स्ट बच्चों। मैं दमकल कर्मी डैश में काम करता हूँ। दमकल कर्मी कहाँ काम करता है बेटा? दमकल केंद्र। दमकल केंद्र। ओके, ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैं पुलिस डैश में आपकी शिकायत दर्ज करता हूँ। पुलिस कहाँ दर्ज करती है शिकायत आपकी? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें हमारी वर्कशीट, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके मम्मी पापा के लिए सुझाव, बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ता का महत्व बताएं। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है बेटा। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।